पृथ्वी पर जीवन की संरचना एक सत्य है। ठीक उसी प्रकार हर जीवित प्राणी का एक न एक दिन मरना भी तय है, लेकिन इस सच्चाई को जानने के बाद भी व्यक्ति अनेकों प्रकार से अमर बनने की कोशिश करता रहा। हालांकि वो ये भी जानता है कोई भी व्यक्ति तय सीमा से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि ये प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। इंसानी नियमों से बिल्कुल विपरीत आज हम आपको ऐसे जीवों के बारे में बताने वाले हैं जो कभी भी मरते नहीं हैं। यानी आसान शब्दों में कहा जाए तो एनिमल किंगडम में कुछ ऐसे जीव भी हैं जो अमर हैं। तो आइए जानते हैं उन 5 जानवरों के बारे में। प्लैनेरियन फ्लैटवर्म। प्लैनेरियन फ्लैटवर्म एक प्रकार का वॉर्म जीव है जो कि मुख्य रूप से पानी और उसके आसपास की जगहों में पाया जाता है। इस प्रजाति का जीव उम्र के हिसाब से नहीं मरता, बल्कि दूसरे जानवरों का शिकार बनने पर मरता है। यानी अगर प्लैनेरियन फ्लैटवर्म का शिकार ना किया जाए तो ये जीव हजारों साल तक धरती पर जस के तस मौजूद रहेगा, जबकि जीवों की दूसरी प्रजातियां मरती और जीवित होती रहेंगी। प्लैनेरियन फ्लैटवर्म की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके शरीर के कई टुकड़े करने के बावजूद भी इसकी मौत नहीं होती है, बल्कि शरीर से अलग हुए टुकड़ों से भी एक नए प्लैनेरियन फ्लैटवर्म का निर्माण हो जाता है। वहीं अगर ये जीव चोटिल हो जाए तो इसके शरीर के जख्म सिर्फ एक रात में ही भर जाते हैं। प्लैनेरियन फ्लैटवर्म के टुकड़ों में बहुत जल्दी ही आंखों का निर्माण हो जाता है, जिसके बाद ये जीव देखने में सक्षम हो जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्लैनेरियन फ्लैटवर्म में सीखने और नए कार्य करने का हुनर दूसरों जीवों से ज्यादा होता है। लंग फिश। क्या आपने कभी सोचा है कि मछली की इस प्रजाति को लंग फिश नाम क्यों दिया गया है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये मछली पानी के साथ साथ हवा में भी सांस लेने में सक्षम है। इसी वजह से इस मछली को लंग फिश कहा जाता है, क्योंकि इसके लंग्स बहुत ही खास होते हैं। जहां दूसरी मछलियां पानी से बाहर आने के कुछ समय बाद मर जाती हैं, वहीं लंग फिश अपनी खासियत की वजह से अमर रहती है। गर्मी के मौसम में जब नदी और तालाब सूख जाते हैं तब लंग फिश जमीन के अंदर गहराई में जाकर छिप जाती है। इसके बाद इसके शरीर के आसपास एक खास तरह का केमिकल पैदा होता है, जिसके बाद ये मछली तब तक पानी के बाहर जीवित रह सकती है जब तक नदियों और तालाब में वापस पानी नहीं भर जाता। लंगफिश कई सालों तक खाए बिना भी रह सकती है, इसलिए भूख की वजह से उसकी मौत होना तो नामुमकिन है। लंगफिश तभी मरती है जब वो किसी मछुआरे के जाल में फंस जाती है या फिर किसी बड़ी मछली का शिकार हो जाती है। अगर लंगफिश का शिकार ना किया जाए तो ये मछली अपनी उम्र की वजह से कभी नहीं मरेगी और ये धरती पर एक अमर जीव है। लॉबस्टर। इस जीव से बनाई गई डिश एक मशहूर सी फूड है। लॉबस्टर कई रंग में पाए जाते हैं। एनिमल किंगडम में लॉबस्टर भी अमर हैं, क्योंकि इसकी मौत भी उम्र के खत्म होने की वजह से नहीं होती है। इस जीव को कभी भी बुढ़ापा नहीं आता है, बल्कि बढ़ती उम्र के साथ इस जीव की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। लॉबस्टर के शरीर में हमेशा नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है, जिसकी वजह से उसकी मौत नहीं होती है। हालांकि बढ़ते सी फूड की वजह से लॉबस्टर का शिकार बड़े पैमाने पर किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी संख्या काफी तेजी से कम हो रही है। अगर लॉबस्टर का शिकार ना किया जाए तो ये जीव धरती पर सालों साल जीवित रहेगा, जबकि इसके साथ ही समुद्री जीवों को एक उम्र के बाद मौत आ जाती है। द इमॉर्टल जेलीफिश। एनिमल किंगडम में अमर रहने वाले जीवों में इमॉर्टल जेलीफिश का नाम भी शामिल है, क्योंकि ये पारदर्शी जेलीफिश कभी भी बढ़ती उम्र के साथ बूढ़ी नहीं होती है। इमॉर्टल जेलीफिश जब अपनी उम्र के एक पड़ाव को पार करती है तो उसके शरीर में एक खास तरह का परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से ये दोबारा एक बेबी इमॉर्टल जेलीफिश में तब्दील हो जाती है। यही कारण है कि यह जेलीफिश कभी भी मरती नहीं है, क्योंकि इसका शरीर समय के साथ तब्दील होता रहता है और समय में वापस बच्चे में परिवर्तित हो जाता है। इस मछली का ये लाइफ सर्कल इसी प्रकार से बार बार चलता रहता है और इमॉर्टल जेलीफिश कई बार बेबी से यंग बनती रहती है। ये प्रक्रिया बिल्कुल वैसे होगी जैसे कोई बूढ़ा इंसान एक बार फिर बच्चा बन जाए और दोबारा से सामान्य जिंदगी जीने लगे। इस तरह इमॉर्टल जेलीफिश सालों साल जीवित रहती है और एक अमर प्राणी है। हाइड्रा। इस जीव का नाम ग्रीक के पौराणिक जीव हाइड्रा के नाम पर रखा गया है, जिसके अनगिनत सिर हुआ करते थे और उसका मरना भी असंभव था। ठीक इसी प्रकार हाइड्रा जीव का मरना भी नामुमकिन है, जो आकार में बेहद छोटा है। इस जीव की खोज 90 के दशक में की गई थी, जो आकार में तो नहीं लेकिन व्यवहार में बिल्कुल ग्रीक के पौराणिक जीव से मेल खाता है। हाइड्रा पर बढ़ती उम्र का कोई असर नहीं होता है और ये जीव हमेशा जिंदा रहता है।
क्योंकि ये पानी वाली जगह पर बिल्कुल अंधेरे में निवास करता है, इसलिए इसे खोज पाना और इससे जुड़ी जानकारी को इकट्ठा कर पाना एक कठिन काम है। यह एक चिपचिपा जीव है जिसके सिर पर बहुत सारी कोशिका निकली होती हैं, जिसे काटने पर भी वो दोबारा पैदा हो जाती हैं। लेकिन ये बात तो साफ है कि हाइड्रा भी एक अमर जीव है जो बीतते वक्त के साथ ना तो मरता है और ना ही बूढ़ा होता है। तो ये थे एनिमल किंगडम के वो जीव जिन पर बढ़ती उम्र का कोई असर नहीं होता, इसलिए ना तो ये जीव बूढ़े होते हैं और ना ही इनकी मौत होती है। हालांकि बढ़ते शिकार और इंसान की जिज्ञासा के कारण इन जीवों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है, लेकिन ये प्रकृति का अजूबा ही है कि जहां इंसान आज तक अमर नहीं हो पाया, वहीं ये जानवर अमर होकर भी किसी ना किसी वजह से मर ही जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।